और अभी भैया हमारे साथ में है हमारी अम्मा। अम्मा हेलो कर दो। हेलो। और पूजा पाठी सब करो। अम्मा हाँ पहुंच गई हूँ। अभी मैंने अपने नाची पोछे सब देखे आलाप। पहले अपनी गाड़ी लेके जाने वाला था, फिर हर हर महादेव। सारे लोग काफल बेचने के लिए रोडों के किनारे में बैठे रहते हैं। आगे लेंगे। होने लगा हूँ। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना निक्कू बिस्ट उत्तराखंड अल्मोड़ा से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल निक्स यूके 01 व्लॉग्स पे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज के व्लॉग की शुरुआत ना मैंने कर दी है भैया सीधा अपने घर से। आज हम लोग ना निकलने वाले हैं भैया उत्तराखंड राइड के लिए। मैं हम लोग जाने वाले हैं पिथौरागढ़ साइड को। तो आज से ना आप सभी लोगों को अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। बाकी आज ना मेरे घर पे मेरी मम्मी है नहीं, तो यहाँ पे है अभी भाभी और अमा और पापा गए हुए हैं अपने काम पे। तो इस राइड में हमारे पार्टनर होने वाले हैं कार्तिक पांडे व्लॉग, जो अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं अल्मोड़ा से। तो वो मेरे को मिलने वाले हैं हमारे बाड़ीछिना की मार्केट पे। तो अभी फ़िलहाल मैं नहा धो के पूजा वगैरह करके ना बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। और अभी भैया हमारे साथ में है हमारी अमा। अमा हेलो कर दो। हेलो। हाँ तो अमा आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से पाताल भुवनेश्वर की तरफ, है ना। हाँ तो आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। वहां तुम्हारी ब्लॉग बन जाएगी। हाँ हाँ क्योंकि तुम अच्छे ढंग से रहो और तुम्हारा ठीक हो जाएगा सब। और भगवान जी की और कृपा बन भगवान की कृपा होगी और तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ पूजा करना, पाठ करना और उन्हारा दर्शन करना। हाँ हाँ अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो हाँ अब बहुत टाइम बाद निकल रहा हूँ, मतलब थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है घर से, घर छोड़ने का मन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है ना। ने कि क्या क्या है, जाना है मंदिर को। हाँ अच्छा है भगवान की पूजा। हाँ तो भैया देखो मेरे को ना मतलब थोड़ी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम ऐसे राइड के लिए निकल रहे हैं, मतलब हम दो ही लोग जा रहे हैं, तो थोड़ी अजीब सा भी लग रहा है ना, घर छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है ना। मन ने कि क्या क्या है, जाना है मंदिर को। हाँ अच्छा है भगवान की पूजा। हाँ तो भैया देखो मेरे को ना मतलब थोड़ी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम ऐसे राइड के लिए निकल रहे हैं, मतलब हम दो ही लोग जा रहे हैं, तो थोड़ी अजीब सा भी लग रहा है ना। कोई नहीं भाई, अपना ही घर बनाने के लिए ना अपना ही घर छोड़ना पड़ता है कहते ना, तो भाई निकलना पड़ेगा, हाँ है नहीं अमा। घर में बैठ के क्या होता है, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है। अपना खर्चा चलाओ और अपनी इच्छा पूरी करो। जो कुछ है हाँ वो तो है। बस तो दुख भाई है सुख है अपनी करना है। सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो अमा का इतना सारा आशीर्वाद हमारे साथ में बना रहे। तो बाकी देखो मेरा ना बैग पूरा पैक है, तो मैं निकलने वाला हूँ अभी जस्ट थोड़ी देर में। तो अभी फ़िलहाल आपका टाइम हो चुका है भैया, दिन के बज गए 11:30, और कार्तिक भाई अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो निकलते हैं फिर बिना लेट किए ना मार्केट की तरफ। मैं मार्केट में जाके रुकूंगा, है ना अमा, हाँ वहाँ पे आएगा वो दोस्त मेरा। हाँ वो था। खाना पीना खाओ, अपना ध्यान रखो और बड़ी का जाओ, पहले का आओ हाँ और वहाँ सही ढंग से रहना। हाँ और अभी तो हम कितने सारी जगह जाने वाले हैं। हाँ और पूजा पाती सब करो और फिर वहाँ की मंदिर की रसीद भी लाना। हाँ और भगवान जी से भी कहूंगा, अम्मा को अभी बहुत कुछ नहीं दिखाना है ना। है आप अमा तो आप चलने वाली है। नहीं, अभी कहाँ जाती है अम्मा। भगवान जी से कहूंगा मेरी अम्मा को उम्र भर जिंदा रखना, अम्मा का आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखना हमेशा, है हाँ ना। आपके रोने आपके नाम का। ना बहुत जी हो गया यार, हमें ऐसा ऐसा नहीं कहते हाँ यार। हमें क्या कह रही है, सुन रहे हो भाई। नहीं तो हम अभी तो नहीं काफी जीना है, अभी तो तुमने बहुत कुछ देखना है ना। कुछ नहीं, आप मेरे को ताकत भी नहीं है, खाना भी नहीं खाई जा रहा है सब ठीक होगा, हमें दिक्कत और मत कुछ लो। को नहीं होता मेरे। हम हाँ बहुत टिक गई हूँ। मैंने अपने नाची पोछे सब देखे आलाप। हाँ प्रणादी भी देखे आलाप। ये बात तो सही कही। और किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो अपने बस ओ प्रणाति को एक देखते कबाड़ी हैं। मेरे से ऐसा कहेगा तूने प्रणादी क्यों देखा, इसलिए मैं जानता। और ऐसा नहीं कबाड़ी। होता है, हाँ ऐसा कह गया कबाड़ी तब देने वाले। हाँ अच्छा सही है भी। तो हम चले फिर यार, है ना। तो चलो। और ध्यान से रहना, ढंग से जाना और अपनी ख्याल करना। फिर भाभी चलता हूँ मैं पहला। हाँ हाँ ठीक है।
तो भाई निकल चुके हम अपने घर से और हम अभी चले गए, तो मिलते अभी। फाइनली भैया कार्तिक भाई हमारे अल्मोड़ा से पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से गंगोली हाट के लिए। तो चलो भाई चलते हैं। ये यहाँ से ना हमने कार्तिक भाई की गाड़ी में ना हवा वगैरह भी डाल ली है, एंड तुम्हारे भाई भी पहले अपनी गाड़ी लेके जाने वाला था, फिर थोड़ी पापा को चाहिए थी तो इस वजह से नहीं ले जा पा रहे हैं। तो बाकी कार्तिक भाई भी यहाँ पे फुल तैयार है, दोनों भाई जा रहे हैं एक ही गाड़ी में। क्या बोलते हो? चलते हैं भाई, देखेंगे रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आती है। ठीक है, देख रहे हो एक बैग ये रखा है और बाकी एक बैग तुम्हारे भाई ने, इतना बड़ा काफी मुश्किल है एक बाइक में, फिर भी चलो चलते हैं। तो एक बार लेते हैं उनका नाम, बोलो हर हर महादेव। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा काफल होते हैं इस जंगल में जहाँ से अभी हम निकल रहे हैं, एंड देखो यहाँ पे भाई इतने सारे लोग काफल बेचने के लिए रोडों के किनारे में बैठे रहते हैं। आगे लेंगे। तो काफी अच्छा लग रहा है भाई इनको देख के, हमारे बच्चों को देख के अच्छा लग रहा है। कितने सारे हैं यार, है ना भाई, बहुत सारे मिले तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाई दिया जाए। इतने सारे लोग रोडों के किनारे में खड़े हो रखे भाई, इनको देख के जो मजा आ रहा है ना, हम भी फुल मौज लेते हुए जा रहे हैं उनके साथ। वो बोल के सर काफो काफो, ये देखो ये भाई। तो भैया ये देखो कितने सारे काफल वाले आ रहे हैं यार, पूरे रोडों में ना भीड़ लगी हुई है भाई साहब। फाइनली भैया हम आपका पहुंच चुके हैं धनिया की मार्केट में, और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है आपका दोपहर के बज गए 3, और अभी हम रुके हुए एक अंकल जी के यहाँ पे ना हम कुछ खा लेते हैं। तो अभी हम लोग ना ज़्यादा कुछ तो खाने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम खा के आए हुए हैं, तो समोसे वगैरह कुछ खा लेते हैं हल्का हल्का, तो बाकी आगे ही देखेंगे शाम के टाइम। तो अभी हम कंटिन्यू मतलब राइड कर ही रहे हैं, तो चलो भाई पहले खाते हैं और फिर निकालते हैं। देखो हम लोग ना छोले समोसे खा रहे हैं यहाँ पे, क्यों कार्तिक भाई? मस्त हो रहा, अच्छे हो रहे। कार्तिक भाई ने तो चेक भी कर लिया, कुछ ऐसे बना रखे अंकल ने, ये अंकल की शॉप है, यहाँ की शॉप पड़ती है। देखो धनिया में अगर कभी आप लोग आते हो तो ना भाई आ सकते हो इस शॉप पे, तो ये पड़ती है ये लोकेशन में। तो भाई लोग हमने ना छोले वगैरह खा लिए थे, और अभी देखो मेरे हाफ पहन के लाए, इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, तो अभी हम यहाँ पे मार्केट में ढूंढ रहे ग्रीप। ये लोग अभी हमारा सारा काम यहाँ का हो चुका है, अभी हमने ना ग्रीप वगैरह भी ले ली, और आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है, अभी हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ से अभी निकल देंगे हम, क्योंकि आज ना हम मंदिर भी नहीं जा पाएंगे, तो कल सुबह उठते हुए चलेंगे। तो हम निकलते हैं अंकल के यहाँ से सारा अपना बैग लेके आगे की तरफ, तो चलो भाई चलते हैं। देखो आज ना मोटर ब्लॉग तो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, तो यहाँ से ना कार्तिक भाई थक चुके हैं, और यहाँ से अब चलाने वाला है तुम्हारा भाई निक्कू भाई। तो चलो भाई जय माता दी, निकलते हैं आगे की तरफ। हम लोग पहुंच चुके पनार से 10 किलोमीटर पीछे, और यहाँ पे ना एक ब्रिज है, देखो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप कभी इस रास्ते से निकलते हो ना, तो भाई यहाँ पे दो ब्रिज हैं, तो ये शायद से पुराना वाला है जो अब चलता नहीं है, और अभी गाड़ियाँ ना इस वाले ब्रिज से निकल रही हैं। और ये लोकेशन भाई इतनी खतरनाक लोकेशन है, कार्तिक भाई से जानते हैं, कार्तिक भाई बताएंगे लोकेशन कैसी है। लोकेशन बहुत तगड़ी है, रास्ते पे वैसे रोड तो अच्छी है, पहले नहीं थी अच्छी उतनी, जगह जगह पे है थोड़े बहुत उबड़ खाबड़, बाकी बढ़िया है, पर रास्ता ऐसा है कि चट्टाने साइड में बोरिंग टाइप का है थोड़ा बहुत, बाकी अब आगे जाके देखते हैं कैसा है पनार गंगोली हाट साइड। और भाई गर्मी कैसी हो रही है? भाई गर्मी का तो क्या ही कहना है यार, बहुत खतरनाक लू चल रही भाई, लू गर्मी की गर्म वाली हवा, भयंकर जो गर्म हवा जो चल रही है भाई, वो हमारे फेस पे आके लग रही है भाई, ऐसा हो गया ना क्या मन कर रहा है, जहाँ पे कहीं पे नदी वगैरह पानी वगैरह वहाँ बैठे थोड़ा हाथ मुंह धोए, वो तब रिलैक्स फील करेंगे थोड़ी, यानी एक तो ये है ना भाई, ये लगी हुई है कार्तिक भाई की शैडो, एक तो ये है ना भाई कि एक ही गाड़ी है उसमें बैंक है, दो बैग इतने मोटे मोटे, थोड़ा अजीब क्या ही करे भाई, करना पड़ता है, हाँ करना पड़ता है वो तो। बाकी भाई चलते हैं यार, यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ, नीचे यहाँ से 10 किलोमीटर आगे पड़ता है पनार घाट, पनार तो भाई वहाँ पे जाके हम रुकेंगे बढ़िया करके। तो भाई देखो हमको ना एक प्यारी सी लोकेशन में पानी मिल चुका है, और यहाँ पे हम हाथ मुँह धोएंगे, क्योंकि ना हम कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, थोड़ी ऐसा अजीब सा हो गया मुँह में, पूरी धूल धूल हो गई ना एक तो, और भाई पसीना और गर्म भाई पूछो मत, हद से ज़्यादा। तो भाई फटाफट से हाथ मुँह धोते हैं, उसके बाद निकलेंगे। तो भाई अभी निक्स मस्त पानी भर रहे हैं यहाँ से, अब जब मुँह पे पड़ेगा ना पानी ठंडा ठंडा, आए हाय गजब ही मज़ा आ जाएगा।
मजा नहीं आ रही काफी दूर से ट्रैवल कर रहे तो भाई हो ही जाता है सफर में चट 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 जाता है जाके धोते साइड में ये जब ठंडा ठंडा पानी मुंह में पड़ेगा ना तभी मजा आएगा भाई भाई तभी तो मजा आएगा अब चल ले सीधे हमारी दर्द पीड़ा वही समझ सकते हैं कौन देखने वाले यहाँ पे कहीं पता चल रहा है मुंह धोते धोते नीचे गिर गया मैं नहीं गिरेगा खाई है भाई यहाँ तो देखने में डर लग रही सामने कैसा हो रहा हो भियो जैसा हो बहुत खतरनाक कहता है गधेरा अजीब सा सूखा गधेरा है सूखा गधेरा यहाँ पे पहुंचते ना हमको काफी ज्यादा गरम हो रहा तो जिस वजह से हमने ना माजा ले लिया और अब माजा पियेंगे मस्त करके क्या बोलते हो कार्तिक भाई भाई इससे मिलेगा ना सुकून सुकून बहुत मन कर रहा था यार ठंडक मिलेगी मीठे में हाँ यार बहुत ज्यादा कभी भी होता है ना कभी उस टाइप का पीने का मन करता है माउंटेन ड्यू जैसा कभी कभी हाँ मीठा भी पीना ही चाहिए क्योंकि अच्छा रहता है ना यार चलो फिर बिना लेट के पीते हैं हम लोग बैठे हुए एक मस्त सी लोकेशन में और भाई यहाँ पे ऐसी गर्मी हो रही ना हालत ही खराब हो रही यार और गर्मी की वजह से भाई हमने ले ली थी माजा क्या बोलते हो मजा आ रहा है माजा पी के यार सही मतलब रिलैक्स मिल रहे हैं अंडा अंडा पीछे दिखा कैसा है भाई पीछे देखो भाई ये डरावनी सी जगह इसको देख के ना अजीब ही हो रहा है क्या मैंने सब देख रहे ना ऐसे अजीब सा हो रहा है हाँ चक्कर जैसा आ रहा था शुरुआत में जब वहाँ पे हम हाथी बोलते ना तब देखा था तो तब ऐसा अजीब सा लग रहा था मतलब और टाइम भी काफी ज्यादा हो चुका है टाइम देखो कितना हो गया 4:55 वाह 16 लिखा था ना 16 4:55 हो चुका है भैया और अभी हम इसको पीते हैं निकलते हैं तो भाई अभी देखो हम लोग पहुंच चुके हैं पनार पे और यहाँ का ना सीन कुछ ऐसा है भयंकर नीचे दिख रही जो आपको सामने ये है आपकी भैया सरयू नदी तो यहाँ पे ना मैं कई टाइम पहले आया हुआ था अभी हम यहाँ से निकल रहे कार्तिक भाई के ताई जी के यहाँ को तो ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना ये बह रही है भैया आपकी सरयू नदी तो अभी हम लोग ना पनार के पुल पे खड़े हुए हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं भैया आगे के लिए तो चलो भाई चलते हैं हम एक अलग सी लोकेशन में पहुंच गए बहुत खतरनाक है भाई यहाँ से खाई जो है ना नीचे को बहुत तगड़ा है देखो यहाँ से दिखाते हैं आपको ये देखो भाई साहब और कार्तिक भाई यहाँ मस्त बैठे हुए हैं कैसा लग रहे हैं बहुत बेकार है इतना घटिया रास्ता मैंने आज तक नहीं देखा भाई वही तो भाई ये रास्ता मतलब सिंगल रोड है और इसमें ना चलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी तो हम लोग ना आए हुए हैं भाई ये रोड आ रखी है इधर से घूमते हुए भाई यहाँ तक पहुंचे हैं अभी यहाँ से कितना किलोमीटर होगा उनका घर कोई आइडिया नहीं तो अभी तो भाई कुछ भी नहीं पता है ना तो अभी हम लोग चलते हैं अभी थोड़ी देर हम रेस्ट करते हैं थोड़ी रिलैक्स हो जाए तो उसके बाद चलते हैं आगे और ये देखो भाई इतना सारा सामान ना कार्तिक भाई की गाड़ी में हम लोग लेके जा रहे हैं गाड़ी लगा रखी है इधर एंड हम लोगों को ना यहाँ से वहाँ पे पहुँचते करीब 1.5 घंटा और लगेगा इस रोड पे हम लोग निकल रहे हैं ना अभी ये रोड पे भाई इतना ज़्यादा रिस्क है ना बता नहीं सकता भाई एक तो सिंगल रोड है भाई और ट्रक वाले ऐसे आ रहे हैं भाई जिसकी कोई हद ही नहीं है मतलब एक बार तो हम मरते मरते बचे थे भाई उस ट्रक वाले ने ना इतने अंदर ले लिया था भाई सेफली माता रानी की कृपा से हम लोग ने यहाँ तक पहुँच चुके हैं एंड आगे भी जाएंगे तो जैसे हम सेफ आ रखे हैं वैसे ही सेफ घर जाएंगे तो चलो भाई चलते हैं आगे की तरफ और मिलते हैं वहाँ पे पहुँच तो भाई हम वहाँ से ना काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं एंड यहाँ से कार्तिक के ताई का घर 15-20 किलोमीटर और आगे है और आप लोगों को ना एक खतरनाक सी चीज दिखाता हूँ भाई यहाँ पे आके ना हम लोग शौक हो गए भाई ये देखते ही मतलब ये गुफा टाइप की है मतलब एक कितने नीचे है इसमें भाई देख रहे हो और अंदर को भी है शायद अभी हम ऐसी जगह में ना जा नहीं सकते अंदर तो काफी खतरनाक है कार्तिक भाई गए हुए हैं दुकान पे और ये यहाँ से ले रहे हैं कुछ सामान अपनी ताई जी के यहाँ के लिए तो हम उसके बाद निकलेंगे यहाँ से है ना नहीं है हाँ ले लो फिर ले लो हाँ तो कार्तिक भाई यहाँ से ले रहे हैं केले वगैरह जो भी है मतलब सामान ले रहे हैं अपने ताई जी के यहाँ के लिए तो भाई खाली हाथ भी जाना ना सही नहीं लगता किसी वहाँ पे तो हमने सोचा भाई क्यों ना हम यहाँ से कुछ लेके जाएं तो बाकी यहाँ अभी कार्तिक भाई गए हुए हैं देन उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ तो यहाँ से ना 4-5 किलोमीटर और आगे है तो मिलते हैं उनके घर पे पहुँच के तो भाई फाइनली हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आए हुए हैं ताई जी तो प्रणाम है बिना वीडियो प्रणाम नहीं होता वीडियो होता है कोई नहीं दिखाते हुए चलो भाई चलते हैं अब इनके घर की तरफ एंड आज हम लोग ना यहीं पे रुकने वाले हैं भाई लोग फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं तो ये थी हमारे आज के दिन की एक्टिविटी तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं एंड कल हम यहाँ से ना आगे के लिए निकलेंगे इस ब्लॉग को ना हम यहीं पे एंड करते हैं आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक करना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं आप सभी लोगों को कल वाले ब्लॉग पे तो तब तक का स्वस्थ रहो मस्त रहो।